पाठ का शीर्षक है टिप टिप वाह। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाएं? टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचुआ, ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अभी टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वो मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कहाँ गया मेरा गधा? धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। हाँ। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांध कर बताइए तो वो कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे
जाकर ढूंढ उसे किसी घड़ई पोखर में। जी अच्छा। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। कहां गया मेरा गधा? कहां ढूंढूं उसे? किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा नताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। यहां छिपा है तू? बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है। मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। ठीक है। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। टिप टिप वाह। अभी आपने सुना ये ध्वनि पाठ। विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय लता पांडे, आलेख गिरजा रानी अस्थाना, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार राजश्री त्रिवेदी, शारदा गुप्ता, राजेश आहूजा, सुनील लोहिया, एसपी अलावादी और आकाश, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और निर्माण तथा प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।